देश के स्टार पहलवान विनेश फोगाट अब चुनावी जमीन पर डेब्यू करने जा रही हैं। जी हाँ, दरअसल विनेश फोगाट अपनी चचेरी बहन बबीता फोगाट के खिलाफ हरियाणा विधानसभा के चुनाव लड़ सकती है। यह दावा एक न्यूज एजेंसी ने विनेश के पारिवारिक सूत्रों के हवाले से किया है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि विनेश के परिवार का कहना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और साथ ही बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त का मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड से एक कदम चूकी विनेश फोगाट अब भारत लौट चुकी है। साथ ही उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद से ही लगातार उनको राज्यसभा भेजे जाने की बातें सियासी गलियारों में जमकर चल रही थी, लेकिन इसी बीच उनके पॉलिटिकल डेब्यू की खबरों ने भी अब बवाल मचा दिया है। वहीं विनेश के भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि जैसे ही विनेश एयरपोर्ट से बाहर निकली, उनके फैंस, परिवार और दोस्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जबरदस्त समर्थन और स्नेह ने विनेश को भावुक कर दिया। एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने जब जश्न मनाया तब उनकी भावनाएं चरम पर थी। इसके साथ ही जब पूछा गया कि क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं, इस पर पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि हां, क्यों नहीं, संभावना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और साथ ही बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त का मुकाबला देखें। कुछ राजनीतिक पार्टियां उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही हैं। वहीं सूत्रों के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में जमकर चर्चा होने लगी है। हालांकि इस पूरे मामले पर विनेश फोगाट ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और साथ ही अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि विनेश किस पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। हालांकि अपने लिए संन्यास पर विनेश ने कहीं ना कहीं वापसी के संकेत दिए हैं। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।